हेलो एंड वेलकम दोस्तों डिफाइंड इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला भाई। टॉपिक भी बड़ा कमाल का है जिसका नाम है एम्बेडेड सिस्टम प्रोसेसर। आज इसके बारे में हम जानेंगे। एज यूजुअल भैया हर बार की तरह आपका कम से कम समय लूंगा और अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी दोस्तों रहने वाली है इस वीडियो के थ्रू। तो भाई सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्रोसेसर क्या है। एक बेसिक सेंस में, लिटरल सेंस में प्रोसेसर क्या है, ये क्या करता है, इसका मेजर एक्शन क्या है। मेजर एक्शन प्रोसेसर का है प्रोसेसिंग करना। इनपुट आ रहा है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जा रहा है, ये प्रोसेसिंग बीच में चल रही है। इनपुट कुछ भी हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, इंस्ट्रक्शन सेट हो सकता है, डेटा हो सकता है, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है और फिर बाद में एक कंक्लूजन निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है, विच इज ऑब्वियसली द आउटपुट ऑफ योर प्रोसेसर। ठीक है, अब ये तो जनरल सेंस में समझ लिया। अब आते हैं टू अंडरस्टैंड द एम्बेडेड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसर्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ओके, अब इसे थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं, इंसान का जैसे दिमाग होता है वैसे ही एम्बेडेड सिस्टम का प्रोसेसर है। करेक्ट और नॉट, वही सेम तरीके से। जैसे कि अभी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, वहां से क्या होता है, वी आर ट्राइंग टू सेंस द एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट की करंट सिचुएशन क्या है उसे हम सेंस करने की कोशिश करते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो इनपुट है वो जाता है हमारे दिमाग में, ब्रेन में। अभी जो ब्रेन है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है उस रिस्पेक्टिव इनपुट सिग्नल्स को और अकॉर्डिंगली जनरेट करता है कुछ कंक्लूजन आउटपुट, और उसके अकॉर्डिंग हम जो ह्यूमंस हैं वो उस करंट एनवायरनमेंट सिचुएशन पे एक्ट करते हैं। बात सही है कि नहीं? उसी तरीके से सेम आपके एम्बेडेड सिस्टम में भी होता है। एम्बेडेड सिस्टम जहाँ भी जो भी सेंसर्स आपने यूज़ किए होंगे उनके थ्रू जो भी इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, उसे आपका ये जो एम्बेडेड सिस्टम प्रोसेसर है वो उसे प्रोसेस करता है एंड रिक्वायर्ड आउटपुट को वो जनरेट करता है इन रियल टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों रिलेटेड विद द एम्बेडेड सिस्टम प्रोसेसर्स। रियल टाइम यानी कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो वो बहुत फास्ट होना चाहिए। आपका जो परफॉर्मेंस है ऑफ प्रोसेसिंग इट शुड बी रियली फास्ट। उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिले यूनिट्स उसमें नहीं होने चाहिए। एक बोलते हैं ना टाइम लिमिट बोलते हैं, कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेडलाइन से पहले काम को खत्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम प्रोसेसर दैट ईच वन शुड हैव। करेक्ट, तो ये तो हो गया भैया बेसिक बातें। अब आते हैं यहाँ पे कुछ और उस प्रोसेसर के बारे में जानते हैं, प्रोसेसर्स इनसाइड अ सिस्टम। अभी ये जो प्रोसेसर है इनमें ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो इसेंशियल यूनिट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेजर इसेंशियल यूनिट्स हैं जिनके बारे में बात करना तो बनता है। एक है कू और दूसरा है यू। अभी कू और यू क्या है, कू मतलब क्या, इट्स सिंपली द कंट्रोल यूनिट, इट इज अ कंट्रोल यूनिट, और ये क्या है, एग्जीक्यूशन यूनिट। अभी ये जो यूनिट का नाम है इसी के ऊपर से सब कुछ पता चल रहा है, मैं थोड़ा और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सी यू मतलब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, यानी कि फॉर एग्जांपल अब ये यूनिट करता क्या है, आपके सिस्टम के अंदर जितना भी जो प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल होगा, प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल इट इज बीइंग गेटिंग कैरिड आउट बाय द कंट्रोल यूनिट। कई बार आपको फेच ऑपरेशन भी परफॉर्म करना पड़ता है। ओके, मतलब कैसे कि जो इंस्ट्रक्शंस आपके मेमोरी के अंदर होते हैं, नाउ यू हैव टू गो, यू हैव टू फेच दोज रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दैट, तो उसके लिए एज अ फेचिंग यूनिट भी आपका कंट्रोल यूनिट काम करता है। करेक्ट है नहीं ये? अब आते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट के ऊपर। अभी यार नाम में ही है, एग्जीक्यूट करना, बराबर, मतलब जितने भी टास्क आपके चल रहे हैं आपके एम्बेडेड सिस्टम के अंदर उन्हें एग्जीक्यूट करने का जो जिम्मा है वो एग्जीक्यूशन यूनिट ने उठा रखा है। इसके अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है वो है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो इट कंप्राइजेस, एग्जीक्यूशन यूनिट कंप्राइजेस द ALU, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और बात अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑब्वियसली आपने फेच कर लिए, अब फेच करने के बाद के उसको सिर्फ देखते रहना नहीं, उसे एग्जीक्यूट भी तो करना है, तो वो कौन करेगा, योर एग्जीक्यूशन यूनिट, बराबर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो यूनिट्स आपके प्रोसेसर से रिलेटेड होते हैं, वेरी इसेंशियल यूनिट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर प्रोसेसर्स की बात ही निकली है तो चलो टाइप ऑफ प्रोसेसर्स को भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं वो क्या क्या है, वो कौन कौन से है। तो भाई यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। पहला है एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम प्रोसेसर, मतलब ये वो प्रोसेसर्स हैं जो एप्लीकेशन डिपेंडेंट होते हैं, ये वो प्रोसेसर्स हैं जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं, एप्लीकेशन डिपेंडेंट होते हैं। एंड इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग इट टू सिंपली प्रोसेस द सिस्टम सिग्नल्स, जो भी आपके सिस्टम सिग्नल्स हैं। ओके, उन्हें रिस्पेक्टिवली आपको क्या करना है, अगर प्रोसेस करना है तो आप एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम प्रोसेसर्स को यूज करते हो, इतना सिंपल है। ओके, अब आते हैं अगली की तरफ, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर। कुछ नहीं बदला है यहाँ पे, तीन शब्द सेम है, सिर्फ एक शब्द जो है वो बदल दिया है, पहले सिस्टम था अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है।
तो ये वाले जो प्रोसेसर्स हैं ये भी आपके प्रोसेसर्स ही हैं जो कि एप्लीकेशन डिपेंडेंट है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। बस यहाँ पे वो क्या करते हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रोसेस योर इंस्ट्रक्शन सेट्स इन द एम्बेडेड सिस्टम, बराबर, उसे वो एक तरीके से एग्जीक्यूट प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द प्रोसेसर, बराबर। अब आते हैं एक और की तरफ जिसके बारे में मोस्ट ऑफ यू वुड बी हैविंग एन आइडिया, दैट इज जनरल पर्पस प्रोसेसर। क्या है ये जनरल पर्पस प्रोसेसर, GPP जिसे कहते हैं। सो बेसिकली ये भी एक प्रोसेसर है, करेक्ट, लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट प्रोसेसर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट प्रोसेसर, भाई जनरल है, जनरल है, जनरली यूज किया जाता है, किसी स्पेसिफिक टास्क पे ही फोकस करना ऐसा वाला सीन वहां पे नहीं है, इट इज जनरल। तो ऐसा प्रोसेसर जिसका पर्पस जनरल है, दैट इज अ जनरल पर्पस प्रोसेसर, बराबर है। शब्द को पढ़ा ऐसे और मीनिंग को जाना उल्टा, बराबर। मीनिंग को हमने कैसे जाना कि वो प्रोसेसर जिसका पर्पस बड़ा ही जनरल है, नॉट स्पेसिफिक, जनरल है, वो आपका जनरल पर्पस प्रोसेसर, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो मेजर चीजों के बारे में बात करना बनता है इन GPP, वो है एक माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन इसके बारे में ना मेरे को थोड़ी लंबी बात करनी है, तो वो इस वीडियो में शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन उसे अच्छी तरीके से डिलीवर हम अगले वीडियो में करेंगे, अच्छी तरीके से इन दोनों टर्म्स को हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, ये वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक कर देना, और उससे भी ज़्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।